भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप सब दो बार बोलिए अमर रहे अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं लोक देवता बाबा रामदेव को, लोक देवता तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। आज जल जुलनी एकादशी का पवित्र दिन भी है। यहां सभा स्थल पर ही भगवान बजरंगबली भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लाखों लोगों की आस्था में ये आस्था के केंद्र गोनेर में स्थित लक्ष्मी जगदीश महाराज के मंदिर को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्म जयंती है। ये हमारे श्रद्धेय भैरोसिंह शेखावत जी का भी शताब्दी वर्ष है। हम आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं, राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं भाजपा ने निकाली है, उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। मैं राजस्थान के हर भाजपा कार्यकर्ताओं को और राजस्थान की जनता जनार्दन को इन सफल यात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज मैं
जयपुर ऐसे समय में आया हूं जब देश का गौरव नए आसमान पर है। आज पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य की वाहवाही हो रही है। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। G20 में भारत की सफलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान है, परेशान है। भारत ने गणेश चतुर्थी के दिन अपनी नए संसद भवन से कामकाज शुरू किया है और नई इमारत में सबसे पहला काम भाजपा सरकार ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ही समर्पित किया है। अनेक दशकों से हमारी माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, किसने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। आज आपकी ये गारंटी मैंने पूरी कर दी है। मैं राजस्थान अनेकों बार आया हूं, मैं कह सकता हूं अनगिनत बार आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आकर के आशीर्वाद दे, ये अपने आप में मैं आप सब माताओं का इतने आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जब अंदर आ रहा था तब मैंने देखा जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा बाहर है। साथियों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, गरीब के पास स्वाभिमान होता है, गरीब मेहनत करना जानता है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं।
इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। वहां मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अब पेंडोल में कहीं जगह नहीं है, कृपा करके वहीं रुक जाइए। आप जहां हैं वहीं रुकिए। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे परिवारजनों, आप याद कीजिए, हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं, मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब तक सैनिकों को जो निवृत्त है, वन रैंक वन पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए की पोटली बनाकर वो झूठ बोलती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। ये भाजपा सरकार है जिसने 70,000 करोड़ रुपए देकर वन रैंक वन पेंशन को लागू किया है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, 3 तलाक के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीढ़ियों से हो रहा था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, लेकिन हर बहन के आंसू पहुंचने की इच्छा शक्ति के कारण हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करे। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे, जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम
सीधी लाइन में आए हैं और इसलिए मेरी माताओं बहनों आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है, नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान तो गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की भूमि है। यहां के कण कण में गौरव गाथाएं हैं। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल से लेकर राणा सांगा, राणा कुंभा तक, वीर दुर्गादास राठौर से लेकर गोविंद गुरु तक, मीराबाई पन्नाधाय, रानी पद्मिनी से लेकर अमृता देवी, कालीबाई, कर्माबाई तक, ऐसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। लेकिन कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे, कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। और मैं जानता हूं राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में घमंडिया गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। बेंगे के साथ में, बेरोजगारी के साथ में, आपस में सभी धर्म सभी जाति के लोग प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, सद्भाव में रहे और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं हो बहुत बड़ी, उसी को बेस बना के हमने कई फैसले किए। अमीर लोग पैसे पैसे वाले कोचिंग में जाते हैं, बच्चे जा नहीं पाते, 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवा रहे हैं सरकारी खर्चे में, 500 बच्चों को विदेश भेजने लग गए हैं। इस प्रकार से जज्बा पैदा कर रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर। और मैं कह सकता हूँ आपको, अब राजस्थान जो है देश के अंदर चर्चा में आ गया है। राजस्थान ऐसे ऐसे फैसले किए, ओपीएस कर्मचारियों के, ओपीएस ने इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है कर्मचारियों में, जिंदगी के अंदर रिटायरमेंट के बाद में कम से कम जिंदगी आराम से निकलेगी। ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई है। वक्त नहीं है मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि आप लोग सब